नमस्कार, मैं परविंदर कौर। आज जानेंगे डेरा सच्चा सौदा में एक बहुत भीड़ जो इकट्ठा हो रही है। आज जो गुरु जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो आइए जानते हैं मेरे साथ एक महिला साथी। मैम, आपका नाम? वनीता इंसा जी। वनीता जी, आज डेरा सच्चा सौदा में ऐसा क्या खास, इतनी जो भीड़ उमड़ रही है? आज हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत रामदीन सिंह जी का बर्थडे है, वो मनाने आए हैं जी। और क्या खास आज करने वाले हो, या क्या खास कर किया है बर्थडे के, मतलब उपलक्ष्य, क्या बर्थडे की खुशी में आपने? हमने कल पौधे लगाए हैं, अमर के रिकॉर्ड कायम करते हैं हम, हर साल रिकॉर्ड कायम करते हैं, कल पौधे लगाए हमने जी। और क्या खास कुछ और कर रहे हो, और क्या कोई नई कोई ऐसी मुहिम, जैसे कि गुरुजी अक्सर कोई नई मुहिमें चलाते रहते हैं या और बहुत सी ऐसी चीज़ें, तो क्या आज कुछ खास करने वाले हैं? हमारे मतलब के जैसे गरीबों को राशन देना, शादियां होंगी यहाँ, मतलब के गरीब परिवार को राशन होएगा। मानता भलाई के हमारे 140 कार्य हो रहे हैं, उनमें से जो मर्जी कोई भी कर दे जी। तो मैम, आप एक महिला हैं, मतलब जैसे कि बोला जाता है कि डेरे में महिला सुरक्षित नहीं है, या ऐसा कुछ भी, क्या माहौल, कैसा माहौल है डेरा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत सेफ है, यहाँ कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जैसे मर्जी चाहे, यहाँ जितनी मर्जी लड़कियाँ ले हो, सारी सुरक्षित हैं। लड़कियों की यहाँ महिलाओं की ज़्यादा देखभाल की जाती है, लड़कियों को तो 9 बजे के बाद यहाँ बाहर नहीं जाने देते, अकेली को, चाहे हम भी हैं, हमको भी नहीं जाने देंगे, बहुत ध्यान रखते हैं। और मैम, आज गुरु जी का जन्मदिन है, तो कैसे जन्मदिन को मनाओगे आप? क्या आज कुछ नाच गा रहे हैं लोग, बाहर ढोल बज रहे थे, बहुत अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके से खुशी मना रहे हैं, मेहंदियाँ भी लोगों ने, लेडीज ने अपने हाथ पे लगाई है। तो और मैम, अब जैसे गुरु जी आए थे 30 दिन के लिए, तब क्या मतलब आपने कितनी खुशी हुई थी, क्या क्या प्रोग्राम्स हुए, क्या बता सकते हो मैम? हाँ जी, जी हमारे बहुत खुशी हुई, हमने जागो निकाली, घाघरे डाले, मेहंदियाँ लगाई, बहुत गिद्दे भंगड़े डोली लेके आए, बस खुशी बताए बनती नहीं थी, बहुत खुशी थी हमें जी। मैम, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, गुरु जी जब अब 30 दिन की छुट्टी लेकर कह ले आए थे, तो बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बोल, जिनका ये कहना, जिन्होंने गुरुजी पर फिर से एलिगेशंस लगाई कि ये नकली है, या ऐसा कुछ, क्या क्या मतलब उनका, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, वो बिल्कुल असली थे, हमें महसूस होता है ना, दुनिया कोई क्या कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदर का स्वाद, वो हमें पता, वो असली है नकली है, वो हमारे असली है, वो लोग तो वैसे बकवास कर रहे हैं जी। अब सरकार से कोई अपील करना चाहोगे मैम, गुरुजी क्या लगता है आपको कि क्या गुरुजी को जल्दी अब समाज के बीच फिर से आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, हम यही कहेंगे, वो हमारे संत गुरुजी मत के निर्दोष हैं, उनको जल्दी से जल्दी बाहर लेकर आएं, ताकि वो अपने करोड़ों बच्चों को और भलाई के कार्य के लिए बताएं जी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।